उत्तर प्रदेश के बरेली के एक सरकारी स्कूल में टीचरों ने मेरे अल्लाह बुराई से बचा देना ऐसे बोल वाली प्रार्थना स्कूल में करवाई थी। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो हिंदू संगठन इसे देखकर भड़क गए और उन्होंने केस को दर्ज कराते हुए कहा कि ये सब हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया है। वायरल हुआ वीडियो फरीदपुर थाना के कमला नेहरू स्कूल का बताया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने कहा है कि यहाँ के अध्यापक नाहिद सिद्दीकी और शिक्षा मित्र वजरुद्दीन ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए ये सब किया है। ये लोग जानबूझकर इस्लामी विधि से स्कूल के छात्रों से प्रार्थना करवाते हैं, साथ ही बच्चों द्वारा ये प्रार्थना न करने पर उन्हें धमकाते भी हैं। हिंदू संगठनों का इस घटना पर कहना है कि ये सब इसलिए करवाया जा रहा है ताकि छात्रों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा सके। इस तरह की प्रार्थना के बारे में पता चलने के बाद विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष सोमपाल राठौड़ और उनके साथियों ने बुधवार 21 दिसंबर को थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज करा दी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि टीचर नाहिद सिद्दीकी के कहने पर शिक्षा मित्र वजरुद्दीन ने ये सब किया है। विवाद उठने और मामला थाने पहुंचने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने स्कूल के टीचर को निलंबित करते हुए शिक्षा मित्र के विरुद्ध जांच बैठा दी है। प्रार्थना का वीडियो भी वायरल है, इसमें 3 दर्जन से ज़्यादा बच्चे प्रार्थना करते देखे जा सकते हैं। पुलिस अध्यक्ष ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने कहा है कि स्कूल में प्रार्थना का वीडियो वायरल होने के बाद टीचरों के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, वंदे मातरम।